नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नॉलेज की दर्शित में। आज जो शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर हैं, उन्होंने टैबलेट को लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट देने को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके सामने ऐसी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए अब अपडेट की ओर चलते हैं। जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा है कि अगले शैक्षिक सत्र के दौरान राजकीय विद्यालय में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर युक्त व निःशुल्क इंटरनेट डाटा सहित टैबलेट मई 2022 तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। श्री कंवर पाल ने बताया है कि सरकार द्वारा सभी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाई इस बार जो है, इस साल जो है, टैबलेट पक्का मिल जाएंगे क्योंकि सैमसंग कंपनी को जो है इसका ऑर्डर दे अभी जा चुका है और 12,000 रुपये की एक टैबलेट के साथ रेट भी फिक्स हैं। तो इस बार जो है मई या जून में आपको जरूर टैबलेट मिल जाएंगी। जून में तो छुट्टी होती है, जुलाई तक जरूर आपको टैबलेट मिल जाएंगी। तो ये अपडेट थी, इसे अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करिए और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।